हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। चलिए रीजनिंग की जर्नी को और आगे लेके चलते हैं। हाँ, Q1 Q-Word चैप्टर पढ़ रहे थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन ट्रिक के साथ पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए। तो ये आज आपकी थर्ड क्लास है क्यूब और क्यूबॉइड की, घन और घनाभ की। तो इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट भी समझे थे, विथ फार्मूले कैसे बनते हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से विथ प्रूफ के साथ समझा था, करेक्ट। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास आपको स्किप नहीं करनी है, बेस क्लास है बेटा। आपको सीक्वेंस क्लास को पहले तो देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। प्रीवियस ईयर क्लास में हमने 10 नंबर तक क्वेश्चन बिल्कुल फाइनल कर लिया था, जिसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था एटलीस्ट का, कम से कम, करेक्ट। और मैंने बताया था नेक्स्ट क्लास में इसका बताएंगे, एटलीस्ट का, कम से कम। और इसी के साथ साथ आ जाता है डिक्टो एज अ सेम, पर उसका मीन थोड़ा अलग हो जाता है, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोनों में कंक्लूजन आपको बता रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। प्रीवियस ईयर क्लास में हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ रखा है क्या, एटलीस्ट का कंसेप्ट, करेक्ट। एटलीस्ट कंसेप्ट पढ़ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हाँ, कम से कम, एज इंटेड, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए आज पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट क्या है, एटमोस्ट। हाँ, एटमोस्ट इट मींस हिंदी मीनिंग इसकी हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा, करेक्ट, ज्यादा से ज्यादा। अब इसके बेस में क्वेश्चन देखते हैं, आप एग्जामिनर किस हाँ लैंग्वेज से पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे एक। ये आपका एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अपने आप में दमदार क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़िएगा और सोच समझ के आंसर आप चूज करिएगा। ये आपका क्वेश्चन है, करेक्ट। ये आपका क्या है, क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इसके बाद ये आपके ऑप्शंस हैं। बहुत ही सोच समझ के आंसर दीजिएगा, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, पहले लिखा क्या है, एक रंगे हुए घन को, हाँ एक रंगे हुए घन को 125 आकार के छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे, 125 आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, करेक्ट। इसके बाद तब ऐसे कितने रंगे हुए छोटे घन होंगे जिनकी ज्यादा ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगी हुई हों, करेक्ट। अ कलर्ड क्यूब इज कट इंटू 125 स्मॉलर क्यूब्स, स्मॉलर क्यूब्स, देन हाउ मैनी कलर्ड स्मॉलर क्यूब आर देयर विच हैव एटमोस्ट, हाँ एटमोस्ट, एटमोस्ट टू सरफेस, एटमोस्ट टू सरफेस पेंटेड, करेक्ट। तो इसका मीन समझते हैं, एटमोस्ट का मतलब क्या है, एटमोस्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, एटमोस्ट, एटमोस्ट, क्लियर। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ओके। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व, हाँ इसको करते हैं सॉल्व। क्या दिया गया है, देन हाउ, हाँ ये देखिए, आ कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब, टोटल नंबर आपको कितने दिए गए हैं, टोटल नंबर आपको जो दिए गए हैं टोटल, हाँ इसको करते हैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व। हाँ चलिए बहुत बेहतरीन, टोटल की आपको वैल्यू क्या दी गई है, टोटल की जो है आपको वैल्यू दी गई कितनी, 125, करेक्ट। जो कि आप जानते हैं टोटल जो आपका होता है एन क्यूब के फॉर्म में होता है, एन क्यूब के फॉर्म में, एन क्यूब के वैल्यू आपको क्या दी गई है, 125। तो यहाँ से आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एन की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 125।
फाइव। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको कंसेप्ट क्या पढ़ना है? एट मोस्ट। हाँ, कंसेप्ट पढ़ना है एट मोस्ट। और एट मोस्ट का मीन हमने आपको क्या बताया? ज्यादा से ज्यादा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा। इधर ही लिख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा। करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है? क्वेश्चन आपका लिखा है अ कलर्ड क्यूब। बहुत ही ढंग से पढ़िएगा क्वेश्चन, हमें पता है 99% बच्चे आंसर गलत देंगे। करेक्ट, क्योंकि इसमें एक क्लू वर्ड छुपा है, वो अगर आपने ढूंढ लिया तब तो आपका बिंदास करेक्ट एक ही बार में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या इसमें गलती हो सकती है। अ कलर्ड क्यूब इज कट इंटू 125 स्मॉलर क्यूब, जो हमने लिख लिया टोटल। हाँ, और टोटल आपको जो होता है एन क्यूब के फॉर्म में होता है, जो कि एन की वैल्यू आ गई आपकी 5। करेक्ट। इसके बाद आगे पढ़िए, देन हाउ मैनी कलर्ड स्मॉलर क्यूब्स। कलर्ड स्मॉलर क्यूब, हाँ, कलर्ड स्मॉलर क्यूब आर देयर विच, हाँ, देयर विच हैव एटमोस्ट टू सरफेस पेंटेड। करेक्ट, टू सरफेस पेंटेड, ज्यादा से ज्यादा दो सरफेस आपकी पेंटेड हो सकती हैं। करेक्ट, ज्यादा से ज्यादा दो सरफेस पेंटेड हो सकती हैं, पर इससे ज्यादा नहीं, इससे कम तो हो सकती है। करेक्ट, जैसे हमने एटलीस्ट का पढ़ा था कंसेप्ट, ऐसा ही आपका क्या है? एटमोस्ट। उसने कह दिया बाउंडेशन आपका लिखा था, ज्यादा से ज्यादा आप दो वैल्यू कवर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप दो वैल्यू कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपकी वैल्यू जो होगी दो ही रहेगी, इससे ज्यादा। जब देखिए, आपको मैंने वैल्यू फिक्स कर दी कि आपकी वैल्यू केवल और केवल दो रह सकती है। अगर इसके आगे आप जाएंगे, अगर मेरी, हाँ, मतलब कि क्या, अगर आप मेरी एरिया में, ऐसा अगर आप मेरी एरिया में आएंगे भी, तो आपकी जो वैल्यू है वो टू की टू ही रहेगी, टू की टू ही रहेगी। करेक्ट, टू की टू ही रहेगी, क्योंकि उसने बाउंडेशन लगा दिया। पर इसने सोचा कि क्या हम ऐसे ही जीते रहेंगे, ऐसे जीना क्या जीना, तो कहता है नहीं, दो है तो क्या हुआ, ज्यादा तो नहीं हो सकते पर कम तो हो सकते हैं, क्योंकि ये अब बेचारा गया रूट, हाँ, सैड हो गया। और सैड होने के बाद आपको भी पता है, हाँ, पर्सन जो होता है डिप्रेशन में जाने लगता है। करेक्ट, माइनस की तरफ, तो अब ये इस तरफ आ जाएगा। हाँ, और जब इस तरफ आ जाएगा तो इसकी एक समय पे वैल्यू हो जाएगी 1। करेक्ट, और जब ज्यादा डिप्रेशन में आ जाएगा तो 1 से कितनी हो जाएगी, 1 से 0 भी तो हो जाएगी। क्लियर कट बात समझ में आई? बहुत बेहतरीन, चलिए बहुत बेहतरीन कंसेप्ट हिसाब आज पढ़ रहे हैं आप। चलिए भाई, इसको करते हैं सॉल्व। कुछ नहीं करना है आपको, इनका फार्मूला लिखिए। हाँ, तो टू सरफेस पेंटेड का फार्मूला क्या होता है आपका? होता है 12 12 इंटू n-2। करेक्ट। इसके बाद प्लस प्लस 1 सरफेस पेंटेड का फार्मूला क्या होता है? 6 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा भाई बहनों। हाँ, चलिए, वन सरफेस, दीज आर ओनली वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है आपका 6 इंटू n-2 का होल क्यूब। करेक्ट, प्लस प्लस 0 कलरलेस का फॉर्मूला क्या होता है? एंड टाइम यूनिट इंफॉर्मेशन क्या होता है? हाँ, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, अंदर से निकलता है तो n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब यहां पे होता है स्क्वायर, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर यहां पे होता है होल क्यूब। करेक्ट, ये थे आपके फॉर्मूले। बात समझ में आई? बहुत बेहतरीन। ये आपके क्या थे? ये थे आपके फॉर्मूले। चलिए अब करते हैं इनको सॉल्व। एन की वैल्यू आपने फाइंड कर ही ली है, आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बस एन की वैल्यू रखिए आप। देखिए, एन की वैल्यू, एन की जगह पे हमने लिखा 5, क्योंकि 5 आपका इनकी वैल्यू निकली, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का होल क्यूब, होल क्यूब प्लस 6 आपका एज इट इज रहेगा। एन की जगह पे आप 5 पुट करिए, माइनस 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस 12 आपका एज इट इज, 12 आपका एज इट इज, एन की जगह पे रखिए आप 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। इसके बाद आप जब 5 में से 2 लेस करेंगे आपका आ जाएगा 3, आपका आ जाएगा 3, 3 का करना आपको क्यूब,
प्लस सिक्स आपका एज इट इज, हाँ सिक्स आपका एज इट इज इनटू टू लेस करेंगे, देखो यहाँ से टू लेस करेंगे आप क्या आ जाएगा थ्री, थ्री का आपको यहाँ पे करना है स्क्वायर करेक्ट, प्लस 12 आपका एज इट इज रहेगा और इनटू यहाँ पे आ जाएगा थ्री। अब आप यहाँ से और सॉल्व कीजिए इसको, थ्री का स्क्वायर क्या होता है आपका 27 प्लस सिक्स, सिक्स इंटू थ्री का स्क्वायर होता है, थ्री का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा नाइन, और ये हो जाएगा आपका 54 करेक्ट, डायरेक्ट लिख दिया 54 प्लस प्लस आपका ये हो जाएगा भारतीय 36। अब जब आप इस पूरी वैल्यू को, हाँ 27 54 36, 27 54 36 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, आएगा आपका 117 117। और बहुत ही प्यार भरी नजरों से आपने देखा और 117 आपने आंसर टिक कर दिया, 117 आपने आंसर टिक कर दिया, जो कि 100% क्या है रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपका जो 117 आपने टिक किया ऑप्शन नंबर डी, ये आपका है 100% रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आपने एक क्लू वर्ड इसमें छिपा था, वो आपने ध्यान ही नहीं दिया करेक्ट। वो क्या था? हाँ अब आपको बताने जा रहे हैं हम, वो आपका क्लू वर्ड ये था, एक रंगे हुए घन को 125 आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तब ऐसे कितने रंगे, बेटा वो ये नहीं पूछ रहा है तब ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे, उसने पूछा है तब ऐसे कितने रंगे रंगे, हाँ स्टार लगाइए, रंगे हुए छोटे घन होंगे, कलरलेस की वैल्यू नहीं पूछेगा इसमें आपको ऐड करने के लिए, पूछ रहा है रंगे हुए घन, हाँ घनों की कितनी ज्यादा से ज्यादा सरफेस, हाँ दो सरफेस रंगी हुई होंगी। अ कलर्ड क्यूब इज कट इंटू 125 स्मॉलर क्यूब्स देन हाउ मैनी कलर्ड, हाँ कलर्ड स्मॉलर क्यूब करेक्ट, कलर्ड कलर वाले स्मॉलर क्यूब आपसे पूछ रहा है, क्यूब्स आर देयर विच हैव एटमोस्ट एटमोस्ट टू सरफेस पेंटेड करेक्ट। तो यहां से आपसे कलरलेस की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, उसने क्या पूछा है ऐसे कलर वाले कितने हैं करेक्ट। तो देखिए यहां से आपकी इसकी वैल्यू आपको नहीं ऐड करना है करेक्ट, इसकी वैल्यू को आपको नहीं ऐड करना है, बात समझ में आई, इसकी वैल्यू को आपको नहीं ऐड करना है, बहुत बेहतरीन, क्योंकि आपको कलरलेस की वैल्यू जब नहीं ऐड करना है उसमें कहा गया ऐसे कितने घन होंगे जो रंगे हुए होंगे, तो 54 और 36 54 और 36 करेक्ट। तो कलर्ड क्यूब आपके कितने हो जाएंगे, कलर्ड क्यूब इज इक्वल टू कितने 54 36 को आप ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 09 करेक्ट, 90 हाँ 90 ऑप्शन नंबर सी जो आपका है राइट करेक्ट, बात समझ में आई, क्यों ये आपका डी नंबर रॉन्ग है और ये आपका है सही, समझ में आई बात, क्यों? क्योंकि उसने बोला है ना, बोल रखा है ना ऐसे कितने रंगे हुए घन, तो रंगे हुए घन की वैल्यू आपको बतानी है, हाँ ना कि कलरलेस को भी आपको ऐड करना है, बात समझ में आई, किसी को ना समझ में आई हो क्वेश्चन एक से दो बार रिपीट कर लेना, इसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं करेक्ट। फिलहाल इतने अच्छे से समझाया है कि समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, बहुत बेहतरीन, चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपसे क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तब छोटे घन की भुजा बताइए। अब 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इंटू 125 स्मॉलर क्यूब्स देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स करेक्ट, देखिए लैंग्वेज क्या लिखी है, एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, बात समझ में आई, 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है मतलब L1 करेक्ट। अब करते हैं इसको सॉल्व, तो L1 की वैल्यू आपको यहां से दी गई है कितनी 15 सेंटीमीटर करेक्ट, 15 सेंटीमीटर। इसके बाद
लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। कितने? 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, टोटल। करेक्ट, टोटल, टोटल की वैल्यू आपको कितनी दी गई? 125, जो कि आप जानते हैं टोटल जो आपके होते हैं एन क्यूब के फॉर्म में होते हैं। हाँ, एन क्यूब के फॉर्म में, तो एन क्यूब के फॉर्म में, तो आप जानते हैं एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपको 5, जो कि बहुत ही प्यार भरी नजरों से आपको दिख भी रहा है। इसके बाद आपको फाइंड क्या करना है? इसके बाद फाइंड करना है, तब छोटे घन की भुजा बताइए। तब छोटे घन की मतलब L1 की वैल्यू दे दी गई, N की वैल्यू आपको फाइंड है, यहां से आपको L2 मतलब छोटे घन की भुजा आपको बतानी है। समझ में आ रही बात? बहुत ही बेहतरीन तरीके से, करेक्ट। चलिए, फॉर्मूला आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है एन एन इज इक्वल टू बिगर लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। एन इज इक्वल टू बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा, ये आपका होता है फॉर्मूला। आपको फाइंड करना है L2, हाँ, स्मॉलर क्यूब लेंथ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप यहाँ से स्मॉलर क्यूब की वैल्यू कैसे, इसको इधर लाइए, तो यहाँ से आप इसको फाइनल, यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा आपका, L2 इज इक्वल टू ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, एज इंटेड, तो L1 अपॉन एन। इसके बाद वैल्यू रख दीजिए आप, वैल्यू रखिए आप, चलिए L2 आपको एज इट इज रहेगा क्योंकि इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। L1 की वैल्यू है आपकी 15 सेंटीमीटर, L1 की वैल्यू है आपकी 15 सेंटीमीटर, N की वैल्यू है आपकी 5, N की वैल्यू है 5। जब आप क्लियर कट यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 3, करेक्ट, जो कि आपका 3 सेंटीमीटर, हाँ, डायमेंशन में लिख दो इसकी 3 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ऑप्शन नंबर आपका बी जो कि है करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो आपके का बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 12 नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है आपसे, अच्छे से समझिएगा, और क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे लेवल के कराए जा रहे हैं। पढ़िए क्या लिखा है। एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बड़े घन की भुजा क्या होगी? अ बिगर कलर्ड क्यूब, हाँ, रंगा हुआ है, चलिए किस कलर से रंगा हुआ है अभी पता नहीं ना, बस रंगा हुआ है। अ बिगर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बिगर क्यूब, बड़े घन की भुजा की वैल्यू आपसे पूछी गई, एज इंटेड। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए वॉल्यूम, हाँ, आपको कितना दी गया, वी, वी की वैल्यू आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर। पहले तो आप टोटल की वैल्यू निकालिए, टोटल आपको कितने दिए गए हैं, टोटल की वैल्यू आपको दी गई है 125, जो कि आप जानते हैं टोटल जो है आपका एन क्यूब के फॉर्म में होता है, एन क्यूब के फॉर्म में होता है। तो यहां से आपकी एन की वैल्यू बहुत ही प्यारे तरीके से निकल आएगी, एन इज इक्वल टू 5। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए आपको क्या दिया गया है, इसके बाद आपको दिया गया है क्या, एक बड़े रंगे हुए घन को 8 सेंटीमीटर, हाँ, 8 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, 8 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर कितनी, 3। चलिए, तो जो कि आप जानते हैं ये ना वी, हाँ, तो 8 घन सेंटीमीटर, और ये V2 की वैल्यू है क्योंकि कट किया गया है उसके बाद उसकी वैल्यू दी गई है ना, तो V2 की वैल्यू वॉल्यूम, हाँ, कितनी, 8 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आप जानते हैं यहां से ये L2 की वैल्यू है, करेक्ट, और ये जानते हैं ये 2 का क्यूब, एक भी स्टेप आपकी मिस नहीं कर रहे हैं, तो L2 की वैल्यू आपके निकल आएगी कितनी, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। समझ पा रहे हैं ना? बहुत बेहतरीन, L2 की वैल्यू निकल आई आपकी 2।
फाइंड करना है आपकी तब बड़े घन की भुजा, मतलब एल वन की वैल्यू आपको यहां से फाइंड करनी है। फाइंड आपको करना है, पेन का कलर चेंज करते रहा करो ताकि पता भी तो चले। एल वन की वैल्यू आपको करनी है फाइंड। फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने प्यार भरी नजरों से देखा था। क्या होता है आपका, एन इज इक्वल टू बिगर क्यूब लेंथ एल वन अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, एन इज इक्वल टू बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा। आपको फाइंड करना है L1 की वैल्यू, आपको फाइंड करना है L1 की वैल्यू। तो L1 की वैल्यू को आप इस तरफ एज इट इज रखिए, करेक्ट, इस तरफ आप एज इट इज रखिए और इसको भेज देंगे आप इधर, तो n into l2, करेक्ट। तो यहां से आप फाइंड करिए वैल्यू इसकी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, L1 is equal to n into l2, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। चलिए यहां से जब इसको आप फाइंड करेंगे, इसको आप यहां से फाइंड करिए, आपका आंसर क्या आ गया, n की वैल्यू है आपकी 5, n की वैल्यू रखिए, पुट करिए आप 5 into L2 है आपका 2, L2 है आपका 2, तो यहां से आपको फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, जो कि आपका डी नंबर 100% करेक्ट है। ये आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई, बहुत ही बेहतरीन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, यहां से आपका शुरू हो जाता है टाइप 2। टाइप फर्स्ट हम क्लियर कर चुके हैं, अब टाइप 2 में आपको मल्टी कलर क्यूब से क्वेश्चन आएंगे, हाँ वो भी घन के कंसेप्ट से, क्यूब के कंसेप्ट से। अभी हम कर रहे थे सिंगल कलर क्यूब, मतलब ऐसे एक कोई भी रैंडमली कोई भी आपका घन होता था, अभी तक हम पढ़ रहे थे रैंडमली आपका कोई भी घन होता था, हाँ रैंडमली कोई भी घन होता था, इसको हम किसी भी रंग से पेंटेड कर देते थे, करेक्ट, ऐसे समझा दें आपको। चलिए अभी आपका रैंडमली कोई भी घन होता था, हाँ एक आपका घन है, करेक्ट, समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद इसको एक ही कलर से सारा पेंट किया जाता था, एक ही कलर से, करेक्ट, एक ही कलर से सबको पेंट किया जाता था। को लॉक करिए, हाँ अभी आपने इस फर्स्ट कंसेप्ट पे आपने पढ़ा है, एक आपका घन था जो कि आप एक ही कलर से सभी सरफेस को पेंट करते थे, पर आपका चल रहा है टाइप 2। टाइप 2 में आपको मल्टी कलर क्वेश्चन देगा, हाँ मल्टी कलर, तो इसमें अब कई टाइप के अलग अलग कलर होंगे, करेक्ट, अब इसमें कई टाइप के अलग अलग कलर होंगे। बात समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन, समझ पाए। चलिए अब इसमें अलग अलग टाइप के आपके कलर होंगे, मतलब मल्टी कलर क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। टाइप सेकंड, चलिए देखते हैं इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज लंबी लिखी होती है, लॉन्ग जो होती है उससे डरना नहीं है, आपको बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से बताएंगे, बहुत ही इजीली क्वेश्चन आप कर पाएंगे, डरना नहीं है भाई, करेक्ट, डरना नहीं है आपको। इसको करते हैं सॉल्व। देखिए 13 नंबर आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 13 नंबर जो आपका क्वेश्चन है देखिए क्या कह रहा है, ये भी आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन 13 नंबर। चलिए एक घन की दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, हाँ अन्य दो निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से और दो बची हुई निकटवर्ती सतहों को हरे रंग से रंगा जाता है, ऐसे 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाए तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो सतह लाल और हरे रंग से रंगी हों, करेक्ट, टू एडजेसेंट सरफेस। एडजेसेंट का मतलब होता है, देखिए एडजेसेंट का मतलब आपको समझा रहे क्या, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, करेक्ट, पड़ोसी, जैसे कि मान लो एडजेसेंट का मतलब आपको समझा रहे हैं। चलिए ये आपका क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एज्यूम करिए, बहुत ही बेहतरीन। अब यहां से हमने कई सारी लाइनें आप खींच दी, करेक्ट, कई एंगल बना दिए,
ये आपकी मान लीजिए ए रेखा है, ये आपकी बी रेखा है, ये आपकी सी रेखा है, ये आपकी डी रेखा है। मैंने क्या बताया, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, हाँ, जो कि आपस में इसको पकड़े हुए हैं, कहीं भागने नहीं। जैसे आपके घर के आसपास होते हैं ना घर, पड़ोसी, आस पड़ोस वाले, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा बी रेखा को आप एज्यूम कीजिए, बी वाली लाइन को एज्यूम किया, बी का पड़ोसी कौन सा है, एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। तो बी का एडजेसेंट है आपका ए लाइन और सी लाइन, करेक्ट। इसके बाद मैंने कहा सी लाइन का एडजेसेंट कौन सा है, सी लाइन पे आप एज्यूम करिए, तो सी लाइन का एडजेसेंट कौन सा है, बी लाइन और डी लाइन, करेक्ट। पर बेचारा बैठा जो ए लाइन है, इसका एक साथी तो है पर एक इसका नहीं है। आज सिमिलरली डी लाइन पे एक साथी तो है इसका, सी लाइन पर एक साथी इसका नहीं है, करेक्ट। तो ये पड़ गया कमजोर, समझ पाए, आई होप समझ पाए रहे होंगे। एडजेसेंट का मतलब, एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ पड़ोसी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए इसको करते हैं सॉल्व, बनाते हैं अपना क्यूब। चलिए क्यूब बनाइए, देखिए एक घन, हाँ एक घन बनाते हैं पहले, तो बना लिया। अब आपको, आपसे क्या बोला गया है, अब आपसे बोला गया है यहां पे, एक घन की दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, मतलब इसको लाल कर दिया गया, हाँ, और एडजेसेंट कोई भी दो सरफेस एडजेसेंट, इसको लाल कर दिया गया, दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, समझ पा रहे हैं। इसके बाद चलिए, एक घन की दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, दो अन्य निकटवर्ती सतह को नीले रंग से, हाँ, दो अन्य निकटवर्ती सतह को नीले रंग से, मान लो ये आपका नीला है, करेक्ट, ये नीला है और इसके सटा हुआ आपका ये वाली सरफेस भी आपकी क्या है, ब्लू, हाँ वो वाली सरफेस भी क्या है आपकी, ब्लू, करेक्ट, बहुत ही बेहतरीन। इसके पीछे वाली साइड, इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे और देखिए, इसके बाद निकटवर्ती सतह को, हाँ फिर नीले रंग से, और दो बची हुई निकटवर्ती सतहों को हरे रंग से। और जो आपकी दो बची निकटवर्ती सतह हैं वो कौन सी हैं, एक तो आपकी कौन सी हो गई, ये नीचे वाली, करेक्ट, ये भी आपकी रेड कलर से है, और कौन सी हो गई, एक आपकी ये वाली हो गई, इसके पीछे वाली, करेक्ट, इसके पीछे वाली ऐसे है, वो भी आपकी क्या है, रेड कलर से। बात समझ में आई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब कोई भी सरफेस नहीं बची ना, देखो छह सरफेस होती हैं, 1, 2, 3 और ये 4, इसके बाद देखो 5 और ये 6, 5 और 6, समझ पाए, बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद क्वेश्चन पर ये, उसके बाद आंसर देना है आपको, इसके बाद आपको देना है आंसर। ये आपको एज्यूम करके बताया अभी, कलर ऐसा ऐसा है, ठीक है। अब इसी डायग्राम को बनाते हैं नेक्स्ट पेज में और समझने की कोशिश करते हैं दोनों को कंपाइल करके फिर। चलिए हाँ, यहां से फिर से आपको ये बनाना पड़ेगा। चलिए एक बनाते हैं हम क्यूब, क्यूब बनाना तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। चलिए हाँ, इसमें कहा गया है दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, हाँ, उसके बाद दो निकटवर्ती सतह को ब्लू रंग से, ब्लू, ये आपका एक ब्लू है और इसके साइड वाली आपने क्या ले ली, ब्लू, करेक्ट, साइड वाली, साइड का मतलब क्या, पीछे वाली, करेक्ट, समझ पा रहे हैं ना, पीछे वाली, वो भी आपकी क्या है, ब्लू है ना, ब्लू, या तो फिर आप इसको यहां पे लिख लो अगर कंफ्यूजन हो, ये भी आपकी क्या है, ब्लू, वो पीछे ही वाली साइड है, वो जो आप लिख रहे थे पीछे ही वाली साइड है, ऐसे ज्यादा ज़ूम होगी सही से। और दो निकटवर्ती सतह को उसने क्या कहा है, ग्रीन रंग से ना, हाँ ये आपका क्या था, ग्रीन लिखा ना,
अन्य दो बची हुई निकटवर्ती सतह को हरे रंग से रंगा जाता है, हरे रंग से रंग दीजिए। कौन सी दो सरफेस बची? एक तो आपकी बची ये वाली है ना, इसको भी क्या किया जाता है ग्रीन कलर से, और ये वाली ये भी बची आपकी क्या है ग्रीन कलर से। बात समझ में आई? अब देखिए इसमें अकॉर्डिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन, पूछना किस नजरों से आपसे चाह रहा है, उसी के ऑथेंट से आप क्वेश्चन देंगे, आंसर देंगे ना। इसके बाद देखिए कलर कर लिया ना, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे आपको कलर करके भी दिखा दिया गया, ये ब्लू जो साइड वाइज है फिर पीछे वाली सरफेस है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी भी नहीं चाहिए। अब आपको बताया गया है ठीक है, इसे 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, कट भी लगाते हैं इसको। चलिए 125 मतलब टोटल की वैल्यू आपको क्या दी गई, टोटल इज इक्वल टू 125। आप जानते हैं जो टोटल होता है एन क्यूब के फॉर्म में होता है, और एन क्यूब की वैल्यू आपको दी गई 125। बहुत ही प्यार तरीके से यहां से एन की वैल्यू आपकी कितनी निकलेगी 5। समझ पाए? बहुत ही बेहतरीन। चलिए एन की वैल्यू आपकी 5, और अब आप लगाएंगे इसमें कट। हाँ अब आप लगाएंगे इसमें कट, चलिए इसमें लगाते हैं कट, ग्रीन कलर दिखेगा सर, चलिए दिखेगा। हाँ इसमें लगाते कट, आपको कितने लगाना है 5, और कट आप जानते ही नंबर ऑफ पार्ट से एक कम, चलिए नंबर ऑफ पार्ट से एक कम, यहां पे लगाते हैं कट। पहले इस वाली साइड पर आइए, कट लगाइए 5। कट लगाने के लिए आपको 4 बारी कट लगाना पड़ेगा ठीक है, 1, 2, 3 और ये 4। यहां पे आपको एज्यूम कराएंगे, वहां पे आंसर दिखाएंगे करेक्ट। इधर से भी आप कट लगाइए 1, 2, 3 और ये 4। इधर से भी कट लगाइए 1, 2, 3 और ये 4। तभी तो पार्ट हो गए 5, नंबर ऑफ पार्ट से एक कम, ये एक कट लगाना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा, बहुत बढ़िया भाई। इसके बाद देखिए आपसे क्या पूछना चाह रहा है, काटा जाता तब ऐसे कितने घन होंगे, हाँ जिनकी केवल दो सतह लाल और हरे रंग से रंगी हुई होंगी। इसका एक बच्चा आंसर ऐसे देगा, दो सतह ठीक है, मतलब उसने कहा दो सतह पूछा गया सर, तो टू सर देयर आर टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला वो लगाएगा ऐसे, दो सरफेस का फार्मूला लगा दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्या पढ़ा था उसने 12 × (n-2) करेक्ट, यहां से वो n की वैल्यू रख देगा, अभी बता रहे हैं आपको करेक्ट, और यहां से उसका आंसर कितना आ जाएगा 3 करेक्ट। तो ये आप 36 निकाल लेंगे आंसर, जो कि बहुत ही प्यार भरी नजरों से वो 36 निकालेगा और यहां पे आएगा और ऑप्शन नंबर ए वो टिक कर देगा करेक्ट, जो कि आपने बहुत ही रॉन्ग आंसर को टिक किया है करेक्ट। तो 36 नंबर हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर करेक्ट, 36 हो जाएगा आपका रॉन्ग, ये वाला क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर 36 नंबर। तो राइट कौन सा होगा, असल में राइट कौन सा होगा देखते हैं ना। आपसे पूछा गया है दो सतह तो रंगी हो, पर कंडीशन है एडजेसेंट सरफेस होनी चाहिए, कौन कौन सी, लाल और हरे रंग का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या रेड और टू सरफेस तो होनी चाहिए, पर लाल और ग्रीन, हाँ हरे और लाल और हरे रंग का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए करेक्ट, ये आपसे कंडीशन पूछी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपने सही आंसर दिया, हाँ चलिए, पर आपको यार ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। तो अच्छा सर करना फिर कैसे है, इसको आप छोटा सा करके साइड में लगाइए, हम बताते हैं ना, डरिए ना आपस, तो छोटा सा करके यहाँ साइड में लगाइए, एज्यूम कर पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन करेक्ट। हाँ ये जो आपने निकाला है ये आपका क्या है रॉन्ग, हाँ ये है आपका रॉन्ग। अब करते हैं राइट, देखो टू सरफेस तो पेंटेड होनी चाहिए करेक्ट, पर उसने कहा है कॉम्बिनेशन किसका किसका, रेड कलर और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन उसको चाहिए, हाँ रेड और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो देखिए टू सरफेस का फॉर्मूला कितना होता है, आप बोलेंगे 12 × (n-2) का करेक्ट। तो आते हैं अपने इसमें और देखते हैं ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन कौन कौन सी एजेस पे बन रहा है, चलिए मल्टी कलर
क्यूब को सॉल्व करने का तरीका अब आपको बताने जा रहे हैं, असल में तरीका अब आपको बताने जा रहे हैं। अभी तो आपको बस बता रहे थे क्या क्या आप गलती कर सकते हैं, और अब आपको एक्चुअल में गलती होने का डर नहीं होगा और आप कर भी नहीं पाएंगे, चाह कर भी नहीं कर पाएंगे गलती। चलिए चलिए अब देखिए इस वाली एज पे आइए, केवल और केवल आगे वाली एज पे, करेक्ट, केवल इस वाली एज पे आइए, क्योंकि रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन आपको देखना है, बहुत ही बेहतरीन। जब आप आगे वाली एज पे आएंगे, जब आप इस आगे वाली एज पे आएंगे, तब देखिए रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कहाँ पे बन रहा है, आप इस वाली पे आए, बहुत ही बेहतरीन, करेक्ट। लेजर लाइट हटाइए और ये वाला अपना चलिए, देखिए अब आप इस वाली पे आइए, करेक्ट, एक एक सरफेस पे, तब आपको क्या रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन लेना है। देखिए इस वाली एज पे आएंगे तो आप देखेंगे रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन बन रहा है, करेक्ट, जो कि आपको नहीं लेना है, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस वाली एज पे आइए, यहाँ देखिए रेड और रेड, रेड और रेड, जो कि आपका रेड और रेड का कॉम्बिनेशन नहीं लेना है, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन लेना है, करेक्ट। इसके बाद इस वाली एज पे आइए, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बहुत ही बेहतरीन, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बहुत ही बेहतरीन, ये आपका हो जाएगा राइट, करेक्ट। देखिए यहां से आपका रेड का और ये आपका ग्रीन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बहुत ही बेहतरीन। पर यहां पे क्या बन रहा था, यहां पे आपका बन रहा था रेड 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 का, हाँ अरे सर क्या हो रहा है, यहां पे तो आपका रेड रेड का कॉम्बिनेशन बन रहा था, बात समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे आपका एक तरफ तो रेड बन रहा था, पर एक तरफ क्या बन रहा था, एक तरफ आपका बन रहा था ब्लू, है ना, एक तरफ आपका बन रहा था ब्लू, एक तरफ आपका बन रहा था ब्लू, बात समझ पे आए, इसलिए रॉन्ग है। इस वाले पे आइए, जब आप इस वाले पे आएंगे तो देखिए रेड एक बन रहा है कॉम्बिनेशन, एक तो आपका रेड का कॉम्बिनेशन बन रहा है और एक तरफ आपका ग्रीन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आपसे पूछा भी तो यही गया है, पूछा भी तो यही गया है कि रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं। तो देखिए कितनी एजेस पे बन रहे हैं, एक एज और दो एज, दो एज पे तो बन रहा है, हाँ करेक्ट, रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन एक तो यहाँ बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है, एक दो हुए अभी, एक और दो, केवल दो ही हुए। इसके बाद देखिए अगर आप इस वाली सरफेस पे आएंगे, इस वाली सरफेस पे आइए तो देखिए यहाँ से रेड और ब्लू, रेड ब्लू ये आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, इस यहाँ पे देखिए रेड ब्लू ये भी आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। इस वाले पे आएंगे तो देखिए रेड रेड ये इसका भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, करेक्ट। पर यहाँ पे देखिए रेड और ब्लू, रेड हाँ, और पीछे वाली सरफेस आपकी क्या है, ये इधर, वो तो आपके पीछे वाली हो गई और ये साइड वाली है ना, देखिए यहाँ से आपका रेड और पीछे वाला ग्रीन, रेड और ग्रीन यही पूछा गया है, करेक्ट। हाँ तो एक तो आपका ग्रीन बन रहा है ना और एक आपका रेड बन रहा है, करेक्ट। तो यहाँ से कितने कितने आपके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 1 2 3, 1 2 3। तो पहले हम लिखते थे 12 रखते थे सभी एजेस के लिए, सभी एजेस के लिए, पर आपको अब कंडीशन दे दी गई, केवल और केवल दो सतह तो रंगी होनी चाहिए, पर कंडीशन दी गई है रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। तो आपकी कितनी एजेस है, नंबर ऑफ एजेस इस अकॉर्डिंग के हिसाब से, तो 1 2 और 3, तो यहां 12 की जगह पे अब क्या हो जाएगा, 12 की जगह पे अब आपका हो जाएगा 3, बात समझ पाए, बहुत ही बेहतरीन। ये 12 होता था, 12 की जगह पे अब क्या हो जाएगा, यहां पे 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला 3, करेक्ट, 3 इंटू एन माइनस टू। अब आप यहां से इसको सॉल्व करिए, 3 आपका एज इट इज रहेगा, n की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की थी, n की वैल्यू आपकी निकली है 5, करेक्ट, n की वैल्यू निकली है आपकी 5 माइनस 2। तो यहां से देखिए 3 आपका एज इट इज, यहां से लेस करेंगे आपका आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 9, जो कि आपका करेक्ट 100% करेक्ट आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 9। देखते हैं कहाँ है ऑप्शन नंबर डी, जो आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, बात समझ में आई, बहुत ही बेहतरीन। अब देखिए इसमें अज्यूम भी कर पाते हैं कौन कौन से हैं, चलिए सॉरी
चलिए, ये तो आपके देखो कॉर्नर क्यूब हो गए, करेक्ट। ये तो आपके अभी हम उस पे सेट कर रहे हैं जो आपके मिडल क्यूब है, और रेड और ग्रीन का देखो एक आपका ये हो गया, करेक्ट। देखो कौन कौन से मिडल क्यूब, एक आपका ये है, दो और तीन, करेक्ट। रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, करेक्ट। यहाँ पे देखिए 1 2 3, करेक्ट। 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे तो बन नहीं रहा था किसी का, पर यहाँ बन रहा था 1 2 3। आप एज्यूम कर पाए ना, 3 3 6, 3 9 ही तो है। यहाँ पे आपने एज्यूम किया, वहां पे आपने सिनारियों से सॉल्व भी कर लिया, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे 14 नंबर क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। एक बड़े घन की दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, ये आपका एक बड़ा घन है, दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, वो कौन कौन सी है? एक तो रेड आपका ये है और एक आपका रेड ये है, करेक्ट। इसके बाद हाँ, लाल रंग से तीन सतहों को पीले रंग से, तीन सतहों को पीले रंग से, ये वाली सतह येलो, ये सतह येलो और ये सतह येलो, करेक्ट। ये भी सतह येलो। इसके बाद एक सतह को नीले रंग से, इस वाली सतह को ब्लू कलर से, ये तो आपकी रेड थी ही, ब्लू कलर से रंग दिया जाता है, दिए गए अकॉर्डिंग के फिगर भी दिया गया आपको, ठीक है। तब इसे 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। टोटल की वैल्यू आपको दे दी गई है यहाँ पे, टोटल की जो आपको वैल्यू है, टोटल टोटल की वैल्यू आपको दे दी गई है 216, जो कि आप जानते हैं 216 टोटल की वैल्यू होती है आपके एन क्यूब के फॉर्म में, हाँ, जो कि 216 दी गई है। तो ये किसका क्यूब होता है, तो एन की वैल्यू आपकी बहुत ही प्यार तरीके से निकल गया, कितनी? 6। बात समझ में आई? बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब कुछ कंडीशन स्टेटमेंट है नेक्स्ट पेज पे, ये आपकी स्टेटमेंट है, करेक्ट। चलिए पहली स्टेटमेंट, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक लाल रंग से, एक सतह लाल रंग से रंगी हुई। सेकंड है आपकी, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह पीले रंग से रंगी हुई हो, ठीक है। थर्ड है आपकी, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह नीले रंग से रंगी गई हो। सबसे पहले उसको फिर से यहां पे बनाते हैं, चलिए बनाते हैं घन को अपने, बहुत ही प्यारा घन है। इसमें बोला गया है, हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे हम कलर करते हैं, नहीं हम कलर करेंगे फिर से तभी समझ में आए। इसमें दो सतह, कोई भी दो निकटवर्ती सतह को उसमें रेड कलर से रंगा गया है, हाँ, दो निकटवर्ती सतह को रेड कलर से, करेक्ट। कलर भी चेंज कर देते, रेड ही कर लेते हैं, दो निकटवर्ती सतह को रेड कलर से। इसके बाद तीन निकटवर्ती सतह को येलो कलर से, तीन निकटवर्ती सतह को येलो कलर से, कोई भी तीन निकटवर्ती सतह ले लो, ये आपकी सतह ले लो येलो कलर से, और ये सतह ले लो येलो कलर से, करेक्ट। और एक सतह आपकी ये हो गई, ये है ना, क्या ये वाली? ये वाली आपकी हो गई, करेक्ट, जो कि क्या है, येलो कलर से। इसके बाद एक सतह को किसने उसने रंग किया है, एक सतह को, बची हुई सतह को ब्लू कलर से। अब जो आपकी बची हुई सतह है उसको कर दिया उसने ब्लू कलर से, ये आपके दिख रहा है ब्लू कलर से, ऐसा ही कलर किया है, बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल, इसको करो पहले छोटा सा, करेक्ट। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये आपने तो फिगर बना लिया। इसके बाद पहली कंडीशन, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल, हाँ, जिनकी केवल एक सतह, वो भी लाल रंग से केवल रंगी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट, एक सतह रंगी हुई फॉर्मूला होता है आपका 6 6 × n − 2 का होल स्क्वायर, बहुत ही बेहतरीन। ये आपका होता है क्या, ये आपका होता है क्लियर फॉर्मूला, अच्छे से लिखते हैं 6 × n − 2 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका
क्लियर फार्मूला, पर आपको इस फार्मूले से नहीं सॉल्व करना है। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हो, केवल एक सतह। तो देखिए कौन कौन सी सतह है, एक सतह आपकी ये है लाल कलर से और एक सतह आपकी ये है लाल कलर से, सतह कितनी है दो, करेक्ट। तो छह नहीं, अब आपको दो ही सतह तो लाल है, तो छह की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, टू, टू इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। अब आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, तो यहां से आप वैल्यू निकालिए क्या हो जाएगी, टू आपका रहेगा एज इट इज, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे हम। हाँ एन की वैल्यू कितनी निकली आपकी, सिक्स, एन की वैल्यू जब आप सिक्स रखेंगे, सिक्स में से टू लेस करेंगे अब आपको बचा फोर, और फोर का स्क्वायर होता है आपका सोलह, करेक्ट, फोर का स्क्वायर होता है आपका सोलह, सोलह दुनी बत्तीस, करेक्ट, सोलह दुनी बत्तीस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन, आपसे क्या पूछी गई है, नेक्स्ट कंडीशन आपसे पूछी गई है, हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विथ येलो कलर, एक सरफेस तो पेंटेड होनी चाहिए, करेक्ट। फार्मूला तो आपका मेन फार्मूला ये है, पर अब आपसे कंडीशन दी गई है भाई कि क्या वन सरफेस तो पेंटेड होनी चाहिए, पर कौन से कलर की, केवल और केवल ओनली ओनली पीले येलो कलर। हाँ तो चलिए येलो कलर की कितनी सरफेस है, वन सरफेस आपकी ये हो गई येलो वाली, वन टू एंड थ्री, तो यहां पे सिक्स गैप है क्या आ जाएगा, थ्री, करेक्ट। ये आपकी पहली सिचुएशन सॉल्व की, ये आपकी सेकेंड सिचुएशन है, थ्री, थ्री इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, बहुत ही बेहतरीन। यहां से इसको आप सॉल्व करिए, जब आप यहां से इसको करेंगे सॉल्व, करेक्ट, यहां से आप इसको सॉल्व करिए, थ्री आपका एज इट इज, करेक्ट। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू आपकी निकली थी सिक्स, और सिक्स में से टू लेस करेंगे आपका कितना आ जाएगा, फोर, और फोर का स्क्वायर होता है आपका सोलह, और यह आ जाएगा आपका अड़तालीस, करेक्ट। सेकेंड की सिचुएशन आपकी कौन, सेकेंड सिचुएशन में कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड सिचुएशन देखते हैं आपकी क्या दी गई है, थर्ड सिचुएशन, हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली, ओनली शब्द का यूज हो रहा है, मतलब केवल वन सरफेस पेंटेड हो वो भी ब्लू कलर से, करेक्ट। तो देखिए ब्लू कलर से कितनी सरफेस पेंटेड है, आपकी एक ही सरफेस तो पेंटेड है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिक्स गैप है क्या आ जाएगा, वन, वन इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, वन आपका एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा क्लियर कट सोल्व करने के बाद आ जाएगा आपको सोलह इज इक्वल टू सोलह, ये आपका हो जाएगा आंसर इस वाले में, इस वाले का आंसर अड़तालीस, इस वाले का आंसर आया आपका बत्तीस। बात समझ में आई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हाँ सोलह अड़तालीस बत्तीस, सोलह अड़तालीस बत्तीस, करेक्ट। चलिए ये हो जाएगा आपका बत्तीस सोलह, लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा आपका सोलह। समझ पाए, बहुत ही बेहतरीन, क्लियर कट हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका पंद्रह नंबर देखिए डायग्राम दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, पंद्रह सोलह इसके बाद क्यूबॉइड। चलिए चलते हैं पंद्रह नंबर को करते हैं सॉल्व, हाँ पंद्रह नंबर को करते हैं भैया सॉल्व। चलो एक बड़े घन की चार सतहों को लाल रंग से और दो सतहों को नीले रंग से हाँ कलर कर दिया जाए, चित्र के अनुसार रंगा गया, ठीक है इसमें। अब इस घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब प्रश्न के आपको इसमें भी सिचुएशन आपको दी गई है, कंडीशन ये, इनके आपको देना है आंसर। चलिए सबसे पहले टोटल की वैल्यू आप फाइंड करिए, टोटल जानते हैं आप, टोटल की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, टोटल की आपको वैल्यू दी गई है, एंड योर काइंड इंफॉर्मेशन कितनी दी गई है, 64, हाँ 64। और जानते हैं टोटल जो है आपका एन क्यूब के फॉर्म में होता है, एन क्यूब के फॉर्म में, एन क्यूब के फॉर्म में कितना, 64। आप जानते हैं 64 किसका क्यूब होता है, हाँ तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, 4 का होता है क्यूब 64। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझा, हाँ वेरी गुड। इसके बाद इस फिगर को बनाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वहां पे चलिए यहाँ पे, हाँ यहीं पे बनाते हैं इसको, करिए आप पहले तो सेलेक्ट करके सर करिए छोटा, चलिए करते हैं सॉल्व।
क्वेश्चन कोई भी हो, इतने अच्छे से कंसेप्ट आपको बताएंगे कि आपको सोचने नहीं पड़ेगा, आप आंसर बहुत ही प्यार तरीके से दे पाएंगे। बनाते हैं आप एक क्यूब, घन बनाइए पहले, तो थोड़ा हट के बनाइए यहां पे। चलिए, उसमें क्या बोला गया है पहले पढ़िए। बोला गया है एक बड़े घन की चार सतह को लाल रंग से, चार निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, करेक्ट, रेड रेड रेड, चलिए रेड रेड, और कैसे रंगा इसने, चलिए रेड, और एक नीचे वाली ये भी इसने कर दी क्या रेड, चार निकटवर्ती सतह को रेड कलर से, और बची कितनी दो, उन दो को किससे कलर किया है, उन दो कलर को ब्लू कलर से, बाकी दो बची हुई सरफेस को ब्लू कलर से। कौन कौन सी दो सरफेस बची हैं, देखिए एक आपकी कौन सी सरफेस बची, एक तो आपकी हो गई ये वाली, करेक्ट ब्लू, और कौन सी बची, और भाई आपकी एक बची ये वाली सरफेस, करेक्ट, ये भी क्या है ब्लू। बात समझ पाए, बहुत ही बेहतरीन, चलिए हो गई ना सिक्स सरफेस, हाँ फोर टू कितनी हो गई सिक्स। चलिए अब आपसे कंडीशन क्या पूछ रहा है, कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन है हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली ओनली वन सरफेस पेंटेड विथ विथ रेड कलर, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हो। पहले एक सतह का फॉर्मूला क्या होता है, अपना मेन फॉर्मूला जो होता है वन सरफेस पेंटेड का होता है, वन सरफेस पेंटेड का मेन फॉर्मूला जो आपका होता है क्या होता है, देयर आर दीज आर ओनली वन सरफेस पेंटेड इज इक्वल टू सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, ये होता है आपका फॉर्मूला, करेक्ट, ये तो आपका होता है क्लियर फॉर्मूला। पर देखिए आपसे कंडीशन क्या पूछी गई है भाई, कंडीशन जो आपसे पूछी गई है वो तो कुछ और ही लफ्जों में पूछ रहा है। देखिए पहले कंडीशन में आपको क्या कह रहा है, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हो, वो भी केवल और केवल लाल कलर से, करेक्ट। चलिए देखिए लाल सरफेस कितनी सतह है, एक सरफेस, हाँ एक दो तीन और चार, चार ही सरफेस तो रेड कलर से रंगी हुई है, तो सिक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, सिक्स की जगह पे आ जाएगा आपका फोर और एन माइनस टू का होल स्क्वायर। बात समझ में आई, ये पहली कंडीशन आप कर रहे हैं सॉल्व। चलिए एन की वैल्यू आपने यहां से कितनी फाइंड की थी, एन की वैल्यू भाई आपने फाइंड की है कितनी फोर, तो फोर जब यहां पे आप पुट करेंगे, देखिए फोर आपका ये एज इट इज, एन की जगह पर जब फोर पुट किया, फोर में से टू गया आपका बचा टू, टू का स्क्वायर होता है आपका फोर, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 16, ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट है। देखते हैं सेकंड सिचुएशन आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड सिचुएशन पूछ रहा है हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विथ ब्लू कलर, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल एक सतह नीले रंग से केवल रंगी हो, तो कितने कलर हैं, हाँ एक तो हो गया आपका, देखिए चार रेड बचे दो ब्लू हैं, तो दो ही सरफेस तो होंगे, एक ये दो, करेक्ट। तो सेकंड को आप करिए सॉल्व, सेकंड सिचुएशन को ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए कितनी दो ही सरफेस तो पेंटेड हैं, हाँ वन सरफेस का फॉर्मूला आपका ये होता है, पर सिक्स की जगह पे आ जाएगा आपका टू, बात समझ पाए, एन माइनस टू का होल स्क्वायर, करिए इसको सॉल्व, टू आपका एज इट इज, एन की जगह पे आएगा आपका आया है फोर, चलिए इसको कर देते, फोर में से जब आप टू लेस करेंगे, इसका टू लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा टू, और जब आपका टू आ जाएगा, टू का करना है आपको स्क्वायर, तो डायरेक्ट यहीं पे लिख लेना आपका हो जाएगा फोर, बात समझ में आई, चार चार में से दो लेस किया आपको दो, दो का स्क्वायर होता है आपका चार, और चार दूनी आठ, हाँ चार दूनी आठ, ये हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर, और इस वाले का आंसर आया था आपका 16, सेकंड सिचुएशन का आंसर कितना आया आपका 8, कितना 8। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितने प्यार भाई नजरों से आपने किया है सॉल्व, आपको मिलते हैं 100 of 100, हाँ मार्क्स, चलिए पूरे 100 में 100% आपको मिले, कितना अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने किया है इसको सॉल्व। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन और रह रहा है, इसको भी करते हैं सॉल्व, चलिए इसको करते हैं सॉल्व ना, देखिए
एक बड़े घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसकी दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, हाँ, दो अन्य निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से, एक सतह को हरे रंग से और एक सतह को नीले रंग से रंगा दिया जाता है चित्र के अनुसार, करेक्ट। तब ऐसे 2 सेंटीमीटर के, तब इसे, हाँ चलिए ये तो कट करने की बात की गई यहाँ पे, तब इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल ओनली केवल 2 सतह रंगी हो, वो भी कैसे कैसे, लाल और नीले के कॉम्बिनेशन में, ब्लू और रेड प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन हो। चलिए ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में। चलिए पहले तो आप टोटल की संख्या निकालिए। देखिए एक बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, करेक्ट। L1 की वैल्यू क्या है आपकी, 12 सेंटीमीटर, करेक्ट, 12 सेंटीमीटर। इसके बाद इस घन को, तब इसे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। L2 की वैल्यू है आपकी 2 सेंटीमीटर। तो यहां से आप वैल्यू निकालिए एन की वैल्यू। एन की वैल्यू जब आप यहां से फाइंड करेंगे, एन इज इक्वल टू बिगर क्यूब लेंथ L1 अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ L2, जो कि आपकी वैल्यू कितनी है, 12 अपॉन 2। तो कट करने पे आपका कितना आ जाएगा, 6। हाँ 6, जो कि एन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 6, एज इंटेड, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसके बाद इस वाले फिगर को बनाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, करेक्ट, समझने के लिए। चलिए हमको तुमसे प्यार है, हाँ कलर से बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए किस किस कलर से आपको प्यार है बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, ओके। चलिए हाँ, इसमें बोला गया है कि दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, हाँ दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, करेक्ट, दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, रेड और रेड। इसके बाद अन्य दो निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से, अन्य दो निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से, करेक्ट, अन्य दो निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से, कोई भी दो निकटवर्ती सतहों, चलो उसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, येलो और येलो, करेक्ट। इसके बाद एक सतह को हरे रंग से, एक सतह को ग्रीन रंग कलर से, एक सतह ऐसी है जो कि ग्रीन कलर से है, वो कौन सी सतह है आपकी, ये क्या है आपकी, ग्रीन कलर से। और एक बची हुई सतह को किसके कलर से किया, और एक सतह को नीले रंग से और एक सतह को ब्लू कलर से, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बनता हुआ चला जा रहा है, ब्लू कलर से, करेक्ट। कितनी सरफेस हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई ना। अब देखिए आपसे कंडीशन क्या पूछी गई है, पढ़िए। तब जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो, वो भी लाल और नीले रंग से, हाँ देखिए क्या लिखा गया है, हाँ आ आ ये दे, हाँ देयर विच हैव ओनली 2 सरफेस पेंटेड विथ, हाँ रेड एंड ब्लू का कलर कॉम्बिनेशन हो, रेड प्लस ब्लू, रेड प्लस ब्लू, चलिए रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन बताना है, 2 सरफेस पेंटेड हो, 2 सरफेस पेंटेड हो, ठीक है, 2 सरफेस तो पेंटेड हो पर रेड और रेड प्लस, रेड पे बहुत ध्यान से पढ़िए ना, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन के साथ बताना है, रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ में आपको बताना है, करेक्ट। पहले तो बताइए 2 सरफेस का फॉर्मूला होता क्या है, 2 सरफेस का जो आपको फॉर्मूला होता है वो होता है 12, हाँ 2 सरफेस का जो आपको फॉर्मूला होता है क्या होता है, 12 × n-2, करेक्ट। ये आपका क्या है, ये जो अभी आपने लिखा ये आपका फॉर्मूला, करेक्ट, ये आपका फॉर्मूला, बात समझे। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व।
अब क्या किया गया, दो सरफेस तो रंगी हुई हो पर किसका किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसमें कहा है कि रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन भी भाई होना चाहिए। चलिए इस वाली सतह पर आप आइए, चलिए जब आप इस वाली सतह पर आए, चलिए जब आप इस वाली सतह पर आए तब देखिए क्या होगा, यहाँ पे खेल होगा। जब आप इस वाली सतह पर आए, पहली सतह पे, तो इसमें एज कितनी है, 4। चलिए बारी बारी से सभी एज को देखना है, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन आपको छाटना है ना भाई, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन छाटना है आपको। चलिए जब आप इस वाली एज पे आए तो यहाँ पे क्या, रेड और रेड का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि आपका हो गया रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि भाई देखिए ना यहाँ पे आपका रेड और रेड का कॉम्बिनेशन बन रहा है पर आपको रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन चाहिए, इसीलिए ये हो जाएगा भाई आपका रॉन्ग, करेक्ट। जब आप इस वाली पे आए, हाँ इस वाली पे, तो एक साइड तो आपका क्या है,